जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के समय कुछ मुद्दे ऐसे निकल आते हैं कि मनुष्य का सामाजिक, पारिवारिक और निजी जीवन सीधे प्रभावित होने लगता है। चाहे आप राजनीति में सक्रिय हो, देश के प्रति जागरूक हो या तटस्थ हो, चुनाव के झोंके प्रभावित जरूर करेंगे। ऐसे समय में एक तरफ जहां महंगाई की मार से जनता जूझ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि का विरोध भी किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को रियायत का मुद्दा और तूल पकड़ रहा है। ऐसे में गुजरात में 19 सितंबर को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित कर सभी विधायकों के वेतन में करीब 65% की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है। आइए देखते हैं इस विषय पर यह खास रिपोर्ट। गुजरात में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तथा किसानों की कर्ज माफी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी घमासान के बीच विधानसभा में बुधवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित कर सभी विधायकों के वेतन में करीब 65% की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है। 182 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा अन्य लगभग सभी विधायकों ने इसका स्वागत किया। इसके तहत विधायकों के मूल वेतन को 56,100 रुपए से बढ़ाकर 78,800 रुपए, व्यक्तिगत सहायक के भत्ते को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए, टेलीफोन भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। यानी एक विधायक का वेतन 70,727 रुपए बढ़कर अब 116,316 रुपए हो गया है। वही विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और ऐसे ही दर्जा प्राप्त नेता विपक्ष आदि को आम विधायक की तुलना में करीब 25% अधिक वेतन मिलेगा। पिछली बार गुजरात के विधायकों का वेतन 2005 में बढ़ाया गया था। शायद यह सत्ताधारियों की चुनावी समय पर विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का प्रचार कराने के लिए और इसी आधार पर वोट बैंक हासिल करने के लिए दिया जा रहा चुनावी फंड हो सकता है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सहित विभिन्न विभागों में दौरा करना राजनेताओं का विकल्प हो सकता है। महंगाई की मार झेल रही जनता के प्रतिनिधियों ने अपने वेतन में तथा भत्तों में खुद ही बढ़ोतरी करना गुजरात के विधायकों के लिए चाहे खुशखबरी हो, लेकिन इसकी वजह से राज्य के खजाने पर 6 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बोझ पड़ने वाला है। आपको बता दें कि विधानसभा में सत्ता पक्ष एवं कांग्रेस विधायकों की यह सर्वसम्मति से पेश संशोधित विधेयक महज आधे घंटे में पारित कर दिया गया। महंगाई के नाम पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर समर्थन किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनेता सिर्फ खुद की भलाई के लिए ही जनता के नाम से यह डावपेच खेल रही है। यह तो नेता बनो और ऐश करो वाली नीति जनता के बिना खौफ के अपनाई जा रही है, जो निजी स्वार्थ की आड़ में देश की शांति और लोकतंत्र को पराजित करने वाली स्थिति निर्माण करता है।